हेलो गाइस, तो मैं हूँ रोहित और आज हम रियल एनालिसिस चैप्टर 1 रियल लाइन इंटरवल एंड बाउंडेड सेट की एग्जांपल नंबर 10 को करेंगे, ठीक है। और पेज नंबर है इसका 87, ठीक है। तो ये जैसे कि एग्जांपल नंबर 10 जी हमारे पास, सेट ए इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू नॉट 4 आई, ठीक है। नाइदर बाउंडेड अबव एंड नॉर बाउंडेड बिलो, ठीक है। इनमें से हमने क्या निकालना होता है, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो इनमें से एक डिनोमिनेटर है यहाँ से, ठीक है। तो क्या करना है, कभी भी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, ठीक है, तो क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। बट ये वाला फंक्शन होता है ना, इसको हम बाई मानते हैं, ठीक है। इसको हमें लेट बाई करना पड़ेगा, तभी हमारी एक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन को करते हैं, हम तो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने वाई लेट कर लिया, ठीक है। तो फिर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, वाई 4 माइनस एक्स ब्रैकेट में आ गया, 4 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। फिर वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स आ गया, 4y माइनस एक्स वाई इक्वल टू हुआ, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, प्लस का इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। 4y माइनस वाई, ठीक है, और ये वाले एक तरफ कर दिए, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन, तो 4 कॉमन आ गया, तो हमारा आ गया वाई माइनस वन, इसमें से एक्स एक्स कॉमन, ठीक है। तो 1 प्लस वाई आ गया इसमें से, ठीक है, 0। अब क्या करते हैं हम, 4 वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई, ऐसे में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या करना, अब इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन, ठीक है, 4, और ये वाला मल्टीपल होता है इसके में, वो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है, 1 प्लस, तो हमारी एक्स की वैल्यू जी आ गई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमने जहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, व्हाट एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने जहाँ पे पुट करनी है, अब तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, जे वाले, ठीक है, पूरी। तो ये पुट कहाँ करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, x ग्रेटर देन 0। तो ये कैसे पुट करनी है, देखते हैं हम। तो देखो, x ग्रेटर देन 0 मान लेना है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ये मिल रही है पूरी की। तो मैंने x की जगह पे पुट कर दिया, ठीक है, 4 इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, ये तो 0 बनेगा। फिर हमें पूरी टर्म क्या आएगी, y माइनस वन अपॉन y प्लस वन ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से डिनोमिनेटर एक ही मिल रहा है हमें, तो इसमें से भी कितने केसेज बनेंगे, 2 केसेज बनेंगे, एक लेस देन और एक, सॉरी, एक ग्रेटर देन के लिए और एक लेस देन के लिए, ठीक है। तो केस वन करते हैं हम सबसे पहले, तो क्या करते हैं, पहले इनको हम बाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बट जो बाई हमारा होगा ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होने, मतलब 0 नहीं होना चाहिए हमारा बाई, ठीक है। तो वाई प्लस वन इक्वल टू नॉट 0, डैट इज वाई इक्वल टू नॉट माइनस वन, ठीक है, ये आएगा हमारा, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, इसके ग्रेटर देन के लिए ले लेते हैं हम, फिर बाई प्लस वन ग्रेटर देन 0, डैट इज वाई ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है। फिर हमने इस वाली टर्म को उठा लेते हैं पूरे, ठीक है, वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये वाली पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये तो पूरी 0 बन जाएगी, मतलब वाई माइनस वन ग्रेटर देन 0 वाई प्लस वन आ गया, ठीक है। तो ये तो पूरी की पूरी 0 बन जाएगी, वाई माइनस वन ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई ग्रेटर देन 1 लिखेंगे, ठीक है, ये इधर आके नेगेटिव का, उधर जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वाई क्या चाहिए था, ग्रेटर देन चाहिए था, तो हमें ग्रेटर
ग्रेटर देन चाहिए था तो हमें ग्रेटर देन ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी हम नंबर लाइन शो करते हैं, ठीक है। फिर हम एक पॉइंट ये भी मिल रहा है ना हमें, इसको भी उठा लेते हैं, बट वाई ग्रेटर देन माइनस वन। अब नंबर लाइन पे शो करते हैं इनको, 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि वन से बड़ा चाहिए हमें, वन से बड़ा कहाँ मिल रहा है हमें, वन से बड़ा इस तरफ जा रहा है हमारा, ठीक है। तो मतलब वन से बड़ा टू भी आ रहा है, मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। माइनस वन से बड़ा, ठीक है, माइनस वन से बड़ा क्या होगा अब, मतलब माइनस टू और माइनस वन, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, माइनस वन जो है इनमें से बड़ा है, तो माइनस वन से इसने बोला कि बड़ा चाहिए, तो ये माइनस वाला ग्राफ इस तरफ, सॉरी नंबर लाइन इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो हमारी ये क्या बनेगा, इसका वाई की वैल्यू क्या बनेगी, एक्चुअली वाई बिलोंग्स टू, देखो वन से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है क्योंकि माइनस वाला भी प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। तो माइनस जैसे देखा जाए तो एक छोटा और वन जो बड़ा है ना, ठीक है, तो हम प्लस वाला लेंगे, ठीक है, प्लस से सॉरी प्लस वन से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, हम माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी नहीं ले सकते, ठीक है। माइनस वन एक छोटा नंबर है, ठीक है, और प्लस वन का एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हम वन से स्टार्ट करेंगे और प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, वन प्लस इन्फिनिटी तक आएगा हमारा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा एक सोल्यूशन सेट, ठीक है। अब करते हैं हम लेस देन के लिए, फिर आगे हम ले लेते हैं लास्ट केस लेस देन के लिए, ठीक है। तो लेस देन के लिए हमारा क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, वाई प्लस वन लेस देन जीरो, डैट इज़ वाई लेस देन माइनस वन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पूरी टर्म मिल रही थी हमें, ठीक है, लिख दिया वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन आई है, ठीक है, ये तो मिल गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, वाई माइनस वन, ठीक है, ग्रेटर देन वाई प्लस वन मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो वाई माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, तो y ग्रेटर देन वन, तो हमें वन नहीं चाहिए इधर, सॉरी इधर लेस, इधर ग्रेटर देन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, लेस देन। तो इसको हम y लेस देन वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी मिल रहा है वट y लेस देन माइनस वन, इधर बेशक ग्रेटर देन है, ठीक है, हमें जहाँ पे लेस देन मिल रहा है तो हमें लास्ट में लेस देन ही चाहिए, ठीक है। जहाँ पे पिछले में क्या ग्रेटर देन मिल रहा था तो हमें ग्रेटर देन ही चाहिए, ठीक है। अब जहाँ पे हमें लेस देन मिल रहा है तो हमें जहाँ पे लेस देन मिल रहा है तो हमें लेस देन ही चाहिए इधर, ठीक है। तो एक इसका पॉइंट आ गया और एक हमने ये वाला उठा लिया, ठीक है। अब इसकी नंबर लाइन शो करते हैं, ठीक है, क्या बनती है इसकी नंबर लाइन, 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी, फिर ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, अच्छा ये बोलता है माइनस वन से, ए सॉरी वन से छोटा चाहिए हमें, ठीक है, वन से छोटा क्या मिलेगा हमें, मतलब वन से छोटा इस तरह मिलेगा, जीरो जीरो आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस टू आएगा, ठीक है। फिर ये बोलता है माइनस वन से छोटा, अब माइनस वन से छोटा क्या है, ये वाला माइनस टू छोटा है, तो माइनस वन वाला भी किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब इनका लास्ट पॉइंट कौन सा है, अब ये तो नहीं होगा इनका लास्ट पॉइंट, ठीक है, इनका लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच हुआ, ठीक है। तो वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक हुआ, ठीक है, ये हुआ इनका एक्चुअली पॉइंट, ठीक है। फिर से देख लो, ये वन बोल रहा है छोटा है वो, तो वन से छोटा इधर जा रहा है, जीरो माइनस वन आ रहा है, ठीक है। फिर ये लेस देन एन माइनस वन, माइनस वन से छोटा, मतलब माइनस टू छोटा है इसमें से, तो ये भी इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट कहाँ पे स्टॉप पे, जैसे कि जैसे ये वाला नहीं लेंगे हम, ठीक है, ये तो बड़ा हो जाएगा फिर नंबर, ठीक है। तो इसकी स्टॉपेट है माइनस वन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, तो ये आ गए इनके सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो इन्होंने लास्ट में सोल्यूशन सेट इनको ऐसे लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन जूनियन वन से प्लस इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने एक रिजल्ट दिया हुआ कि लीस्ट अपर बाउंड, जहाँ तक आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है।
अब लास्ट में उन्होंने बोला है लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्या होते हैं ये भी देख लो। मान लो सेंटर में एक एक्स रहता है, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड वाली वैल्यू हमेशा जहाँ पे रहती है, ठीक है, मान लो टू आ गई, ठीक है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाली वैल्यू हमेशा कहाँ रहती है, इसके मतलब एक्स के इज रहती है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वाली मान लो मैंने फाइव आ गई, तो ये हमेशा आपकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये आपकी वैल्यू होगी लीस्ट अपर बाउंड, ये ठीक है। मतलब लेस वाली वैल्यू हमेशा आपको इधर मिलेगी और ग्रेटर ग्रेटर वाली वैल्यू आपको इधर मिलेगी, ठीक है। मान लो जहाँ पे तीन भी हो सकता है और यहाँ पे टू भी हो सकता है, ठीक है, तब भी इसको लीस्ट अपर बाउंड माना जाएगा और इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माना जाएगा, ठीक है। तो हमेशा लीस्ट वाली वैल्यू इधर आएगी, इस तरफ आएगी, और ग्रेटेस्ट वाली वैल्यू इस तरफ आएगी, ठीक है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल नंबर 10 तो हमने कर लिया, ठीक है, और एग्ज़ाम्पल नंबर 9 सेम एज इट इज़ होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम्पल नंबर 11 भी सेम एज इट इज़ होगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल नंबर 8 भी हमने पिछली वीडियो में किया था, ये है पेज नंबर इसका 30, ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 9 भी सेम एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है, इसके भी तीन केसेस बनेंगे, ठीक है। तो 9 भी ऐसे हो जाएगा, 10 भी ऐसे ही होगा, आगे 11 भी ऐसे ही है, ठीक है, और 13 14 भी ऐसे ही हैं इनके क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले।